नमस्कार गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। द टॉपिक इज एल्कोहल कंजप्शन, तंबाकू यूज, गुटका च्यूइंग और स्मोकिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंट्री में 56% जो मेल है वो एल्कोहल का, तंबाकू का यूज करते हैं, और ये जो क्वांटिटी है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। मेनली जो एल्कोहल या तंबाकू का यूज है ये बहुत ज्यादा आज के टाइम पे कॉमन हो चुका है, और जो तंबाकू का यूज करते हैं लोग वो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर यूज करते हैं, और यंगस्टर्स की तो क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन सबका यूज करने से जो कैंसर के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर ईयर हमारी कंट्री में टोटल 80,000 कैंसर की वजह से डेथ होती है, और ये आंकड़े डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं टंग कैंसर की, तो टंग कैंसर जो फॉरेन कंट्रीज में होता है वो 2-4%, लेकिन इंडिया में यही क्वांटिटी 44% है गाइस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि लोग कैसे सीखते हैं तंबाकू या गुटखे का यूज करना, कैसे उनमें आदत पड़ जाती है तंबाकू का यूज करने की। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, स्टूडेंट्स इसका यूज करना सीखते हैं जैसे कि वो या तो स्कूल में होते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं। सबसे पहला इसका कारण होता है फ्रेंडशिप। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ हैं, अगर उसको है आदत गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, जो भी नशा है वो करने की, तो वो आपसे एक बार बोलेगा, यार प्लीज खा लेना यार, दोस्ती गजब, खा ले खा ले, इस बार खा ले, आगे से नहीं दूंगा यार, खा लेना यार, कुछ नहीं होता यार। सिर्फ आपको परेशान करेगा, आपको बार बार बोलेगा कि खा ले खा ले। फिर स्टूडेंट क्या करता है कि एक बार स्टार्ट करता है, तो जैसे ही एक बार शुरू होता है फिर वो फर्दर कंटिन्यूएशन होता ही जाता है। दूसरा जो स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। किसी का भी रिलेशनशिप भी हुआ है, किसी का भी कुछ भी हो गया रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तो ज्यादातर जो लोग हैं, लड़के लड़कियां जो भी, वो जरूरत से ज्यादा इसका यूज करते हैं, बोलने लगेंगे यार यार, दूसरा लड़का आएगा वो बोलेगा यार लड़की जो भी आई क्यों रो रहा, क्या हुआ यार, छोड़ के चली गई, अरे यार चली गई चली गई यार, बहुत याद आ रही है। तो वो दोस्त क्या बोलेगा, वो दोस्त जरूर ये बोलेगा, अरे चल रहा यार, पीते ना यार, बस पीना शुरू कर देंगे, चल रहा यार, कुछ नहीं होता यार, ये मदद करेगी ना अपनी, ये शराब है ना, ये गुटखा है ना, चल चिट्टे मारते हैं भाई, ये ना तू मेरा, चल दोनों भाई चिल करते हैं। तो ये सब करने की वजह से मेनली क्या होता है कि आपको इसकी आदत पड़ जाती है। और इसका और आपको एक और कारण बताऊंगी, मूवीज। जैसा जो यंगस्टर सोचते हैं, जैसा कि मूवीज में दिखाया गया, चार बोतल बोट का काम मेरा रोज का, जो भी गाने हैं मूवी में देखा, यार उस वेब सीरीज में यार बंदे चुलाओ कर दो भाई, एकदम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो वो बिल्कुल उसी बंदे की वजह से सीख जाएंगे कि उनको लोगों ने किया तो हम भी करेंगे। कुछ लोग करते हैं यार, डूड वी ट्राई टू बी अ कूल पर्सन, कूल दिखने के लिए, तो सीरियसली ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब का यूज करेंगे तो कूल दिखेंगे। अब इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे सीखते हैं कि जैसे कि मान के चलिए, अगर किसी के पेरेंट्स गुटखे का कंजप्शन कर रहे हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं, तो मान के चलिए अपने बच्चे के सामने गुटखा तंबाकू का यूज करते हैं, आप करेंगे बेटा जो तेरे रुपये का पान मार ले गया, उसे लगेगा तू आप जगह जगह थूकेंगे, उसको लगेगा कि ये है क्या चीज, मेरे पापा ऐसा, इसका क्या है, इतना क्यों पसंद करते हैं। तो बच्चा आपके आगे पीछे छुपके जरूर इसका यूज करेगा ही करेगा। आप अगर अपने बच्चे के सामने अल्कोहल का यूज करते हैं तो वो जरूर चोरी छुपे एक ना एक दिन अपने दोस्तों के साथ यूज करेगा। वो स्कूल में होगा तो स्कूल में बोलेगा कि यार मेरे पास एक ये चीज है, चलो ट्राई करते हैं, ये करते हैं। अब तो हम बड़े हो रहे हैं, मेनली टीनेजर्स के साथ ही प्रॉब्लम होती है, वो लोग बोलते हैं यार तो बड़े हो गए यार, तो चल एक बार ट्राई करते ही करते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट बताऊंगी जो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बोलते हैं, या तो कोई वर्कर्स है, मतलब किसी भी लेवल के आदमी से खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं जो इसे खाते हैं, किसी भी वो कुछ भी काम कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो यूज दिस टबैको, दे ऑलवेज से वे क्यों खाते हो, कुछ नहीं टाइम पास होता है, इससे टाइम पास करने के लिए खाते हैं, तो वो उनको लगता है कि इससे टाइम पास होता है। आप बताओ गुटखा खाने से टाइम पास कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई है जिसका कुछ बिना करे टाइम पास हो जाए? अब मैं बोलूंगी कुछ लोगों की जो कैसे कैसे बहाने मारते हैं, कुछ कुछ पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं
क्यों खाते भाई गुटका? दांत में दर्द हो रहा है इसलिए खाते हैं, वो दांतों में थोड़ी तकलीफ हो गई थी, गुटका खाने से थोड़ा आराम मिला, तो खाते हैं। कहीं पे भी मैं आपको खुद बताती हूँ मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते कि गुटका खाने से, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से दांतों की बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। ये रिटन में है, आप किसी से भी, किसी बुक में भी, किसी भी स्पेशलिस्ट से पूछ सकते हैं कि ये सब खाने से, तंबाकू की या किसी खाने से, कुछ भी डिसीज चीजें खाने से दांतों की बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। सम पीपल से पेट की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है यार, पेट नहीं साफ होता, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे यार इसके लिए क्या है, थोड़ा सा तंबाकू खा लो सुबह, बहुत अच्छे से पेट साफ हुआ। तो कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि आप तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, शराब सिगरेट बीड़ी जो भी एक्स वाई जेड करोगे तो इससे आपका पेट साफ होगा, इससे पेट साफ बिल्कुल भी नहीं होता है। हाउसवाइफ का क्या कहना होता है, हाउसवाइफ का कहना होता है बहुत मन करता है कुछ कुछ चबाते रहे ना, मन करता है कुछ कुछ चबाते रहे, तो वो इसका यूज करती है, सुपारी का यूज करती है या फिर और भी काफी सारी चीजें होती है उनका यूज करती है। अब इसको जो, अब तो ये हो स्टूडेंट लेवल की बात या हाउसवाइफ लेवल की बात, अब क्या होता है कि कुछ कुछ, अब मैं बात करती हूँ जैसे कि कुछ कुछ पुलिस में होते हैं कुछ लोग, जैसे कि कुछ, जैसे कि प्रोफेशंस में देखेंगे यार आई वांट टू बी डैशिंग यार, तो ये कुछ वेब सीरीज में यार सुट्टे मारते हैं यार, या वो छोटी सी वो बोतल होती है क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट इट इज, उसका यूज करेंगे, बार बार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। तो पहली बात तो ऐसा होता है कि आपसे कोई बोलेगा कि इसका ट्रायल कर लो, चलो दोस्त है तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप एक बार लोगे तो आपको इसकी लत लगती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ कुछ लोग, अब कुछ जैसा कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आपकी जॉब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो चार लोग बैठे होंगे, वो बोलेंगे यार आ जाओ ना यार, बहुत जाड़ा पड़ रहा है यार, चलो एक बार दारू तो पैक मारते हैं यार, साथ में बैठते हैं बातें करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यार उसने बोला था तो तुमने उसे पी लिया था, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम नहीं पियोगे, भाई नहीं है तू मेरा, भाई नहीं है तू मेरा, तो लोग ऐसे बोलने लगते हैं। और जैसे ही आप इसको शुरू करते हैं तो आपको इसकी लत बहुत अच्छे से लग जाती है, फिर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छूटता। अब मैं आपको, ये तो वही बात कि लोग खाना कैसे सीखते हैं, कैसे उनको आदत पड़ जाती है, अब मैं बात करूंगी कि ये छूटता क्यों नहीं है, ऐसा क्या होता है जैसे खाने से लोग इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि नहीं छूटेगा, ये बहुत आनंददायी लग रहा है, इतना ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए फर्स्टली जो तंबाकू से, आई विल स्टार्ट फ्रॉम तंबाकू, तंबाकू में होता है निकोटिन। निकोटिन एक पेस्टिसाइड होता है जो कि तंबाकू की जो क्रॉप होती है उसमें नेचुरली फॉर्म होता है, ये उसमें नेचर ने खुद बनाया ताकि उसमें कोई भी कीड़ा ना लगे। तो जो निकोटिन होता है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो एसिटाइल कोलिन से काफी रिजेंबल करता है। जैसे हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में जैसे कि मानिए आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बिजली है, बिजली यानी कि कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसे चलने के लिए कैसे ये करंट, तो एसिटाइल कोलिन एक इसी तरह का होता है जो हमारी ब्रांच है न्यूरो ट्रांसमीटर की तरफ रिलीज होता है। तो जो निकोटिन होती है उसका काफी ज्यादा स्ट्रक्चर एसिटाइल कोलिन से रिजेंबल करता है। अब क्या होता है, आप सोचिए जैसे कि आपको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो आप जब खाना खाओगे तो आपको अच्छा लगता है, तो खाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि डोपामिन रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से। इसी तरीके से जैसे कि हम तंबाकू या निकोटिन का यूज करते हैं तो ये जो डोपामिन का रिलीज है ये कभी भी होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, बहुत ज्यादा होने लगता है, तो बार बार एक अजीब से प्लेजर का फॉर्मेशन होता है। अब लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमारा पेट साफ हो जाता है, तो ये एक तरीके का स्ट्रेस पैदा करता है हमारी बॉडी में तंबाकू वगैरह। और मैं आपको एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ, तंबाकू का जो लोग यूज करते हैं कम हो जाते हैं, तो जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा यूज करोगे, जैसे अपने एक बीड़ी पी या एक पैकेट तंबाकू गुटखा खाया, तो फिर वो डे बाई डे बढ़ती जाएगी, आपका मन करेगा और खाएं और खाएं और खाएं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा ज्यादा मांग करेंगे कि और, तो फिर आप ऐसे ही बहुत ज्यादा खाना सीख जाते हैं। और लोग चाहते हुए भी इसको नहीं छोड़ पाते हैं कि अब हमसे नहीं छूट रहा, क्योंकि इसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉल सिम्टम आई मीन टू से ऐसे सिम्टम्स कि जब आप छोड़ना चाहोगे फिर भी आपका मन करेगा, बार बार मन करेगा, खाने का मन करेगा। तो गाइस अब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं दिस इज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर इंडिया, फॉर अस गाइस। तो इस टाइम पर आप बहुत आसानी से गुटखा, तंबाकू, जो भी आप नशा करते हैं, हुक्का, लोग बोलते हैं कि हुक्का इज सेफ क्योंकि वो फिल्टर हो गया, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है।
सबसे पहले इससे आपके गाल का कैंसर, आपके लिप का कैंसर, टंग का कैंसर हो सकता है, फिर उसमें ही आपका गाल कट जाएगा, ब्लड निकलेगा, साइनस फॉर्मेशन हो सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें आपको भयानक दर्द होता है, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कैंसर हो गया तो ठीक है आप अपना गाल कटवा लेंगे, जीभ कटवा लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कैंसर में रिकरेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिकरेंसी आई मीन टू से कि 5 साल बाद वो कैंसर दोबारा हो सकता है, किसी और पार्ट में फैल सकता है। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आप प्लीज कैंसर को खत्म करने के लिए तम्बाकू को क्विट करें। और आप इसको क्विट करने के लिए, मैं जानती हूँ आपको बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम होंगे और आप इसे छोड़ेंगे तो एक साथ तो नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आपको छोड़ने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और अगर आपको ये सब कंटेंट पसंद आया, आप भी ऐसे ही सीखे तम्बाकू गुटखा जो भी है खाना, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार गाइस।